अभी झारखंड पूरे देश के गिने चुने राज्यों में है जो ओबीसी को सिर्फ 14% आरक्षण देता है, सिर्फ 14%, 50% आबादी 14% में फिनिश। झारखंड जहां तक मेरी जानकारी है, मुझे करेक्ट कीजिए अगर मैं गलत, मेरी जानकारी है, पूरे भारत का अकेला राज्य है जहां शेड्यूल्ड कास्ट का कोई मिनिस्टर नहीं है, जहां 16% आबादी का कोई प्रतिनिधि नहीं है कैबिनेट में, और राज्य की 16% आबादी नाराज भी नहीं है इसको लेकर, उनको गुस्सा भी नहीं आ रहा है कि हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस देश का संविधान लिखा, जिन्होंने इस देश में डाइवर्सिटी का पूरा सिद्धांत दिया, उस देश का एक राज्य बगैर शेड्यूल कास्ट मिनिस्टर के चल रहा है। 96 में हमारे घर बच्चा आया, बेटा हुआ, और हम पति पत्नी दोनों नौकरी कर रहे थे, इसलिए हमें एक दिल्ली शहर में एक मेड की जरूरत थी, जिसको नौकरानी बोलते हैं, जो 24 घंटे हमारे घर में रहे। और उस समय हमें पहली बार पता चला कि झारखंड के जो महिलाएं हैं वही दिल्ली में मेड बनती है। झारखंड मेड सप्लाई करने वाला राज्य है, झारखंड भारत का नौकरानी सप्लाई करने वाला राज्य है। और झारखंड अगर आज एक हकीकत है, एक वास्तविकता है, और रियलिटी में टेंजेबल चीज है जिसको हम देख रहे हैं, तो इसमें विनोद बिहारी महतो जी मील के पत्थर, नींव के पत्थर बल्कि हैं, एक राय, शिव सोरेन, ये सब, इन सब लोगों के की शुरुआत थी। और उसके बाद फिर एक लंबा आंदोलन रहा जहाँ सर ये इतना बड़ा एक आंदोलन हुआ और एक अलग भौगोलिक एंटिटी बनी, एक राज्य बना। निजी जीवन की बात करूं तो झारखंड आंदोलन में दरअसल पूरा समय एक लगभग फिल्म की तरह आपके सामने से गुजर रहा है कि 80s और 90s में क्या हो रहा था। हमारा घर खुद झारखंड आंदोलन का केंद्र था, लोग लगातार रात दिन आते थे और मेरी माँ हमेशा परेशान रहती थी कि आज किस घर में कितने लोगों का खाना बनेगा, ये हम लोगों को आखिरी मौके तक नहीं पता चलता था। और फिर और लोग आ जाते थे तो और लोगों का खाना बनता था, और मेरा जिम्मा वही था जो एक हमारे मित्र ने कहा कि चाय पहुंचाना लोगों के लिए, तो गेस्ट के लिए हम चाय पहुंचाते थे और बैठ जाते थे और सुनते थे कि बात क्या हो रही है। उस समय लगभग सारे नेता हमारे घर आए, और बाद में बल्कि जब छात्र जीवन था तो आंदोलन में भी जाने का मौका मिला, जब रामगढ़ में झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी, बीपी केसरी जिसके अध्यक्ष बने थे, उसमें भी जाने का मौका मिला। कई बार झारखंड आंदोलन में जब झारखंड बंद होता था तो पुलिस घर आ जाती थी और मैं भाग जाता था कि मतलब पकड़ में नहीं आना है। और एक बार झारखंड आंदोलन में जब पुलिस ने लाठी चार्ज किया तो एक लाठी मेरे घुटने में पड़ी जो अभी भी दर्द करता है, जब ठंडी हवा चलती है तो उस घुटने में अभी भी दर्द होता है। और उसमें हुआ क्या था, उमाकांत रजक जी हमारे स्कूल में हमारे सीनियर थे, पता नहीं उनको याद हुआ कि नहीं होगा, कि पुलिस ने लाठी चलाई और पुलिस की लाठी से बचने के लिए कई महिलाएं थी आंदोलन में, तो हम लोगों ने बचाने की जब कोशिश की तो एक पुलिस वाले का राइफल हाथ में आ गया, और राइफल हाथ में आ गया तो पुलिस ने फिर जमकर कुटाई की कि राइफल छीनने की कोशिश की तुमने, और उसके बाद सेक्टर 9 थाना वहाँ जाकर वो उन्होंने हमें बंद कर दिया, और बंद कर दिया तो उसके बाद फिर हालांकि बहुत सारी महिलाएं आसपास के गांव की आ गई और उनको हमें छोड़ना पड़ा, लेकिन हमें उसी समय लोगों ने बोला कि देखो इस तरह के केस में तुम्हारा नाम आ गया है तो सरकारी नौकरी तो कर नहीं पाओगे, तो जब सरकारी नौकरी नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे, तो इसलिए मैं फिर पत्रकारिता में चला गया और फिर दिल्ली होते हुए फिर देश दुनिया में पत्रकारिता कर रहा हूँ। तो झारखंड आंदोलन मेरे जीवन में भी बहुत तरीके से उसकी भूमिका रही है। विषय जो मुझे दिया गया है वो सामाजिक न्याय का विषय है। मुझे लगता है कि आने वाले 10 साल में झारखंड की राजनीति, झारखंड का समाज सामाजिक न्याय के आसपास ही इसकी पूरी बातचीत होनी है, तो इसलिए मैं थोड़ा आपको नुआंस तरीके से इस बारे में अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा, और आप लोग मुझे उम्मीद है कि गौर से सुनेंगे, क्योंकि आप लगभग अगले 10 साल में झारखंड में क्या होने वाला है इसके बारे में मेरे प्रेडिक्शन आप सुन रहे होंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि झारखंड के लिए जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे, बहुत सारे आंदोलनकारी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं,
जिनको सम्मानित किया गया था। तो हम लोग दरअसल क्या मांग कर रहे थे, क्या हमको सिर्फ बिहार के नक्शे पर एक लाइन चाहिए थी जो एक अलग राज्य बन जाए और राजधानी बन जाए, या इससे ज़्यादा हम लोग कुछ डिमांड कर रहे थे, कुछ और ज़्यादा सोच रहे थे, क्या हमको सिर्फ एक ज्योग्राफी में एक और एडिशन चाहिए था या कुछ एक्स्ट्रा चाहिए था। तो दरअसल झारखंड की जो अवधारणा थी, जो कॉन्सेप्ट था, जो आंदोलन का पूरा बुनियाद था, वो ये था कि बाकी राज्य और खास करके नॉर्थ बिहार जो है वो झारखंड को उपनिवेश की तरह, कॉलोनी की तरह ट्रीट करते हैं। यहाँ का रिसोर्स, यहाँ के मिनरल्स, यहाँ के लोग, इसका वो इस्तेमाल करते हैं, रॉयल्टी इन हिस्सों में नहीं आती है, और इस वजह से झारखंड जो है वो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा हुआ इलाका है। ये मेन हमारा कंटेंशन था, ये विरोध का पॉइंट था जहाँ पर झारखंड राज्य का आंदोलन शुरू हुआ कि हम मिनरल्स के मामले में देश के सबसे अमीर राज्य हैं लेकिन हम देश के सबसे गरीब राज्य भी हैं, ये क्या हो रहा है। ये था झारखंड आंदोलन की बुनियाद। हम इंटरनल कॉलोनी या आंतरिक उपनिवेश बनने के लिए तैयार नहीं थे, सिर्फ एक अलग नक्शा नहीं चाहिए था, इतना छोटा मामला नहीं था। लेकिन 23 साल बीत गए, छोटा समय नहीं होता है, 23 साल में बच्चा बड़ा हो जाता है, तो मान लेता हूँ कि झारखंड राज्य भी बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद क्या हमारे सपने पूरे हुए, क्या वो ड्रीम जिसके लिए हम लोग लाठियां खा रहे थे, घुटना तोड़वा रहे थे, लोग मर रहे थे, शक्ति मातों को गोली लगी, मेरे अपने रिश्ते के मौसा मनिंद्रनाथ मंडल को गोली लगी और 1994 में वो शहीद हुए, क्या वो इस बात के लिए सिर्फ आंदोलन कर रहे थे कि एक अलग राज्य बन जाएगा और एक अलग राजधानी बन जाएगी और एक मुख्यमंत्री बन जाएगा। इतना छोटा सपना नहीं था हमारा, हम इतने छोटे काम के लिए हमारे लोग शहीद नहीं हो रहे, इससे बड़ा कुछ था। अभी हम क्या बन गए, मैं आपको दो तीन छोटी छोटी बातें बताता हूँ जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि झारखंड का जो सपना था वो किस हद तक पूरा हुआ और किस हद तक पूरा नहीं हुआ। झारखंड के बाद जब मैं दिल्ली गया टाइम्स ऑफ इंडिया और उसके बाद फिर जनसत्ता इंडियन एक्सप्रेस होते हुए इंडिया टुडे में पहुंचा, 1996 में मेरी शादी 93 में हुई, 96 में हमारे घर बच्चा आया, बेटा हुआ, और हम पति पत्नी दोनों नौकरी कर रहे थे, तो इसलिए हमें एक दिल्ली शहर में एक मेड की जरूरत थी जिसको नौकरानी बोलते हैं, जो 24 घंटे हमारे घर में रहे। और उस समय हमें पहली बार पता चला कि झारखंड के जो महिलाएं हैं वही दिल्ली में मेड बनती हैं, वही दिल्ली में नौकरानियां बनती हैं। इस समय भी अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं 1 लाख से ज़्यादा झारखंड की लड़कियां वहां पर घरों में नौकरानी का काम कर रही हैं। तो झारखंड को हमने 23 साल बाद वहीं पहुंचा दिया है जहां पर झारखंड आज से 25 साल पहले था। कितना बड़ा फेलियर है, झारखंड मेड सप्लाई करने वाला राज्य है, झारखंड भारत का नौकरानी सप्लाई करने वाला राज्य है। बहुत तकलीफदेह स्थिति है, देश का सबसे गरीब राज्यों में है वो दूसरा एक स्थिति है। झारखंड में एक आदमी साल में सिर्फ 628 यूनिट बिजली खर्च करता है। झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला है, सबसे ज्यादा रिसोर्सेस हैं, लेकिन झारखंड इलेक्ट्रिक कंजम्पशन के मामले में देश का सबसे नीचे का राज्य, सबसे नीचे के राज्यों में, बगल में छत्तीसगढ़ में अभी 628 मैंने बताया ना झारखंड का, छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति सालाना इलेक्ट्रिक यूनिट जो है उसका खर्चा 1790, भारत का एवरेज 1122। कुछ तो गड़बड़ हुआ है ना इन वर्षों में, 23 साल में कुछ प्रॉमिसेस, कुछ वादे, कुछ भरोसा, कुछ तो टूटा है। एक और आंकड़ा दे रहा हूँ, आंकड़े ज़्यादा नहीं गिनाऊँगा क्योंकि मैं क्योंकि क्लासरूम में लेक्चर्स देता रहा हूँ तो बहुत लंबा बोलने की आदत है, समय मेरे ख्याल से सीमित होगा। प्रति एक व्यक्ति एक डॉक्टर कितने आदमी का इलाज करता है भारत में, एवरेज एक डॉक्टर 1118 आदमी का इलाज करता है, लेकिन झारखंड का एक डॉक्टर 6073 आदमी का इलाज करता है।
एक डॉक्टर के ऊपर 6073 आदमी ने झारखंड में, सिर्फ 9 मेडिकल कॉलेज हैं, अगर मेरा आंकड़ा सही है तो 7 शायद सरकारी हैं, साल में सिर्फ 300 MBBS बनते हैं झारखंड से, और अगर उसको इंडिया का एवरेज पकड़ना है तो उसको 87 साल लग जाएंगे इस एवरेज को पकड़ने में, जबकि भारत का एवरेज और जो वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक एवरेज उन्होंने बोला है कि 1000 आदमी तो जब डॉक्टर होना ही चाहिए, झारखंड में 6073 लोग एक डॉक्टर इलाज करता है, तो सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, एजुकेशन में सीरियस प्रॉब्लम है, मेडिकल एजुकेशन में और ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक कंजम्पशन में प्रॉब्लम है, गरीबी है, और सर एक चीज़ है, सामाजिक न्याय आप नहीं कर सकते हैं अगर आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, अगर आपको संसाधन नहीं है तो बांटेंगे क्या, गरीबी को तो नहीं बांट सकते ना, आपको कुछ चाहिए ना जिसको आप देंगे, वो चीज़ होनी चाहिए, तो भारत में जो झारखंड राज्य है कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में भी हम पीछे रह गए, कुछ प्रॉब्लम तो है, सीरियस प्रॉब्लम, इसको अगर भारत यहाँ पर अलग अलग राज्यों में, इस राज्य में अलग अलग पार्टियों को शासन करने का मौका मिल चुका है, मुझे नहीं मालूम कि रात में जब मुख्यमंत्री सोता है यहाँ का, पिछला मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री नहीं मालूम मुझे, उसको ये सब सपने आते हैं कि नहीं, कि झारखंड को विकसित राज्य होना चाहिए, झारखंड में डॉक्टर्स ढेर सारे होने चाहिए, झारखंड में इलेक्ट्रिक कंजम्पशन कम से कम इंडिया का एवरेज होना ही चाहिए, झारखंड मेड सप्लाई करने वाला राज्य नहीं होना चाहिए, अगर झारखंड के नेताओं को और मंत्रियों को और मंत्रियों को ये सपना नहीं आता है, बहुत गंभीर समस्या, फिर नहीं ठीक होगा, संभव नहीं है, हर बड़े काम की शुरुआत सपने से होती है, और कहीं ना कहीं ड्रीम डेफिसिट जिसको बोलते हैं ना, सपनों का डेफिसिट, वो मुझे झारखंड में दिखता है, झारखंड के नेता वो ड्रीम क्यों नहीं देख रहे हैं, इसे देखिए कितना आसान है, मैं बता रहा हूँ, 1 लाख के आसपास झारखंड की औरतें वहाँ जाके बर्तन मांज रही हैं, दिल्ली जैसे दूर इलाके में जाके बॉम्बे में और बेंगलुरु में, बदलना है, अगर किसी को बदलना है कि भाई ठीक है ये मतलब दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट टॉलरेबल, वी वांट टू चेंज इट, अगर उनको चेंज करना है तो उनको क्या करना है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट की जो लड़कियां हैं वो जब दिल्ली आती हैं वो क्यों नहीं बर्तन मांज रही, वो या साउथ की लड़कियां, तमिलनाडु और कर्नाटक की लड़कियां जब दिल्ली आती हैं वो क्यों बर्तन नहीं मांजती हैं, झारखंड की लड़कियां क्यों बर्तन मांज रही हैं, जानते हैं, छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी चीज़ है, जिसको ठीक कर दिया गया होता आज से 20 साल पहले तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। वो उन लड़कियों ने जिन सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की है उन स्कूलों में पढ़ाई इंग्लिश में, क्या करना था आपको 20 साल पहले एक फैसला करना था, झारखंड के सारे स्कूल जो सरकारी स्कूल हैं उसमें पढ़ाई का मूल माध्यम जो होगा वो इंग्लिश होगा। अभी आप कहेंगे इंग्लिश में कैसे होगा, हिंदी तो कर नहीं पाते, इंग्लिश कैसे करेंगे, कर लेंगे, दुनिया भर में भाषा कोई भी भाषा 6 महीने 3 महीने में सीखी जा सकती है, और अभी तो 3 साल पहले आंध्र प्रदेश ने कर दिया कि भाई ठीक है सारे आंध्र प्रदेश के स्कूल जो है सरकारी स्कूल वो इंग्लिश मीडियम हो जाएंगे। क्या किया उन्होंने, सारी जो तेलुगु में किताबें थी उसमें उन्होंने टू फेस कर दिया कि एक पेज में तेलुगु आएगा दूसरे पेज में इंग्लिश रहेगा, और सारे बच्चों को इंग्लिश का एटलीस्ट मौका होगा, और सारे टीचर कोशिश करेंगे कि इंग्लिश में पढ़ाई होगी, और हर स्कूल में एक टीचर दे दिया उन्होंने जो इंग्लिश बोलना सिखाएगा, और आंध्र प्रदेश इस देश की सारी अच्छी नौकरियां लेके जाएगा। तमिलनाडु में यही है, तमिल इंग्लिश, इंग्लिश इज द प्राइमरी मीडियम, उन्होंने इंग्लिश में किया। अगर सर हर राज्य का बच्चा इंग्लिश में पढ़ाई कर सकता है, झारखंड वाले क्या खाते हैं, ऐसा कम खाते हैं कि नहीं कर सकते, कोशिश करके देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं मेरे ख्याल से, मतलब सिर्फ लेकिन ये क्या आप करना चाहते हैं, क्या आपके अफसर करने देंगे, क्या आपके अफसरों के दिमाग में सोशल जस्टिस है, क्या वो सोचते हैं कि हर किसी को कुछ मिलना चाहिए, राज्य का काम क्या स्टेट। और अभी झारखंड जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुझे करेक्ट कीजिए अगर मैं गलत, मेरी जानकारी है, पूरे भारत का अकेला राज्य है जहाँ शेड्यूल्ड कास्ट का कोई मिनिस्टर नहीं,
मतलब आप इस पर शर्म कर सकते हैं, इस पर रो सकते हैं, पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। 16% आबादी, 16/96 मतलब हर छठा आदमी जिस कम्युनिटी का है उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है मंत्रिमंडल में। ये हो सकता है? मतलब सोच के अजीब लगता है कि जो काम जिन राज्यों में शेड्यूल कास्ट की आबादी 6% 7% है वो भी शेड्यूल कास्ट का एक मिनिस्टर तो बनाता ही है। झारखंड में तो शेड्यूल कास्ट का मिनिस्टर है क्या? आपको राज्य का क्या बना दिया सर? मतलब कैसा राज्य बनाया आपने जहां 16% आबादी का कोई प्रतिनिधि नहीं है कैबिनेट में और राज्य की 16% आबादी नाराज भी नहीं है इसको लेकर। उनको गुस्सा भी नहीं आ रहा है कि हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस देश का संविधान लिखा, जिन्होंने इस देश में डाइवर्सिटी का पूरा सिद्धांत दिया, उस देश का एक राज्य बगैर शेड्यूल कास्ट मिनिस्टर के चल रहा है और चलता जा रहा है, किसी को इसकी शिकायत भी नहीं। मतलब अजीब सा है। मतलब देखिए अभी जैसे ये बात कैसे हो गई कि ओबीसी का रिजर्वेशन यूनाइटेड बिहार था 1978 से है, 1978 से कर्पूरी ठाकुर के समय से पूरे देश में ओबीसी रिजर्वेशन मंडल कमीशन के बाद आपको 1992 से आ गया 27% रिजर्वेशन, 50%, 52% आबादी के लिए 27%। अभी झारखंड पूरे देश के गिने चुने राज्यों में है जो ओबीसी को सिर्फ 14% आरक्षण देता है, सिर्फ 14%, 50% आबादी 14% में फिनिश। अब 14% में कितनी जातियों को समेटना है आपको? 137 जातियों को, मतलब बागदी, बेलदार, बिंद, गुर्मी, कोयरी, माली, मल्ला, अंसारी, मोमिन, नाई, मुनिया, प्रजापति, राइन, सुनार, यादव, तलवार, मोयरा, तांती, पूरी, हलवाई, मावरी, केसरवानी, तेली, तमोली, सारे, मतलब 137 जातियों के आदमी आपने एक इतना छोटा सा कमरा बना दिया, किसी फीट हो लो, इतने फीट हो, बाहर मत जाना। और झारखंड का ओबीसी नाराज नहीं है, टॉलरेट कर रहा है, बर्दाश्त कर रहा है कि ठीक है 14% में जी लेंगे। इसके बाद जो 3 या 4% आबादी है जिसको अपर कास्ट बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं, उसके लिए यही सरकार प्रोएक्टिव होकर 10% आरक्षण उसका लागू कर देती है। तो राज्य के अधिकार में ना, बहुत सारे राज्यों ने नहीं भी किया अभी तक, तमिलनाडु में नहीं किया 10% EWS आरक्षण, इन्होंने 10% EWS को तो दे दिया लेकिन ओबीसी का 14 का 27 नहीं किया। आप ये कह देते कि भाई एक ही एक्ट में हम ये दोनों को शामिल करेंगे और EWS और 27% ओबीसी को हम साथ साथ दे देंगे, अगर लीगल फंसेगा तो दोनों फंसेगा। EWS का नहीं फंसा, 27% ओबीसी का फंस गया। अच्छा फंस गया तो फंस गया, चलिए मान लेते हैं कि फंस गया। आप तो लेकिन आंदोलनकारी है ना, आंदोलनकारियों का राज्य है ना, ओबीसी को 27% मिले इसके लिए इस राज्य की सरकार कौन सा आंदोलन कर रही है? क्या आप सारे विधायकों को ले जाकर राष्ट्रपति भवन के सामने आपने खड़ा कर दिया कि भाई आपका प्रतिनिधि राज्यपाल है और उसने फंसा रखा है, राज्यपाल को वापस बुलाइए? क्या आप 1,00,000 लोगों को दिल्ली ले जाकर प्रदर्शन कर सकते थे? नहीं किया। झारखंड में आपने रांची में राज्यपाल निवास का घेराव क्यों नहीं किया कि 27% आरक्षण ओबीसी का आप पास क्यों नहीं कर रहे हो? तो ओबीसी को 27% नहीं मिलेगा, शेड्यूल कास्ट का मिनिस्टर नहीं बनेगा, और भाई सोशल जस्टिस है ना, सोशल जस्टिस है तो इसमें ओबीसी में तो क्रिश्चियन भी है, ओबीसी में राइन, मोमिन, अंसारी भी है, ये सारी जातियां भी है, चूड़ीहार भी है, तो आप इन सारे लोगों को हिस्सेदारी नहीं देंगे, राज्य चलाएंगे और राज्य स्मूथ चलता रहेगा। मुझे लगता है कि झारखंड में लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा एस्पिरेशन पालना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा ड्रीम देखना चाहिए, थोड़ा सा नाराज भी होना चाहिए। नाराज नहीं होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आपको गुस्सा नहीं आता है तो आप सचमुच आदमी हैं कि नहीं इसमें डाउट है, गुस्सा आना चाहिए ना।
लेकिन गुस्सा आता ही नहीं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है और मंच पर बैठे माननीय नेताओं से भी कि प्लीज़ झारखंड में सोशल जस्टिस का जो एजेंडा है, हेल्थ और एजुकेशन का जो एजेंडा है, इलेक्ट्रिक कंजम्पशन का एजेंडा है और डेवलपमेंट का जो एजेंडा है, इसको आप आगे लेकर जाएं। हम सारे लोग जो झारखंड से दूर से झारखंड को देख रहे हैं और बहुत प्यार से देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि झारखंड की लड़कियाँ जब दिल्ली आएँ तो वो एयरलाइंस में काम करें, वो होटल में फ्रंट ऑफिस संभालें, वो मॉल में नौकरी करें। सिर्फ आप अगर उनको इंग्लिश एजुकेशन दे देंगे तो झारखंड की वही 1 लाख लड़कियां नर्सिंग में अगर उनको मौका मिलता है तो, ये सिर्फ आप अगर लैंग्वेज चेंज कर देंगे तो ये 1 लाख लड़कियां वहां से करोड़ों रुपया भेजने लगेंगी वापस झारखंड में। तो थोड़ा मतलब जिसको बोलते हैं ना कहीं कोई किसी एडवर्टीजमेंट में आया ना कि थोड़ा सा और विश करो, तो थोड़ा सा और मुझे लगता है कि विश करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और ड्रीम का जो डेफिसिट है उसको दूर करने की ज़रूरत है। और सोशल जस्टिस एक्चुअली एक तरह से नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में हर समाज हर जाति को जोड़ने का एक नेशनल एजेंडा है, इसीलिए संविधान के प्रस्तावना प्रीएम्बल में लिखा हुआ है सामाजिक न्याय। संविधान का पहला पन्ना जो है उसी में सामाजिक न्याय लिखा हुआ है, मतलब इसमें सोशल जस्टिस जो है वो उसको आर्टिकल्स के लिए छोड़ा नहीं है। संविधान ने माताओं ने और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में जो संविधान लिखा गया है उसके प्रीएम्बल में है सामाजिक न्याय। तो अगर आप सामाजिक न्याय नहीं कर रहे हैं तो विकास भी नहीं हो रहा है, और अगर आप इनेबल नहीं कर रहे हैं, एम्पावर नहीं कर रहे हैं आम लोगों को, मतलब देखिए मुझे प्रॉब्लम है जब मैं झारखंड एयरपोर्ट पर जाता हूँ तो चुप्पी झारखंड की बोलियाँ मुझे मालूम है, और झारखंड के जो मूल निवासी हैं वो झारखंड एयरपोर्ट पे जब कम दिखते हैं ना तो मुझे दुख होता है, दुख होना चाहिए। क्यों नहीं है, झारखंड एयरपोर्ट पर कम से कम आधे तो झारखंडी मूल निवासी दिखने चाहिए, नहीं दिख रहे ना। तो खैर मतलब इतना डिप्रेसिंग में साउंड नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सिचुएशन बहुत मतलब शानदार नहीं है। 23 साल पहले जब ये आंदोलन चल रहा था, उससे पहले 40-50 साल पहले तक, तो मुझे लगता है कि झारखंड के लोगों ने बनाया, उन्होंने इससे ज़्यादा का सपना देखा था, और ये सपना पूरा करने का दायित्व अब के नेतृत्व पर है। अब नई नए जो लीडरशिप है उस पर ओनस है, और बहुत सारे नेता हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में झारखंड में नए मुख्यमंत्री को हम लोग देख पाएंगे। नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक ऐसा नेता होगा जो मतलब झारखंड को नौकरानी सप्लाई करने वाला राज्य का जो उसका स्टिग्मा है, जो उसकी उस पर कलंक है, उसको धो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपने इतने धैर्य के साथ मेरी बात। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.